नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक, आपको मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप TikTok अकाउंट पर जेन्युइनली फॉलोअर्स एंड व्यूअर्स ला सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है TikTok पर 1 बिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब दोस्तों TikTok पर अब 100 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स है। TikTok पर व्यूअर्स और फॉलोअर्स लाने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ जेन्युइन टिप्स देने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप डेफिनेटली अकाउंट पर फॉलोअर्स और व्यूअर्स ला सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस टॉपिक के ऊपर YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि YouTube पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें कहा जाता है कि आप इस वेबसाइट पर जाओ और अपना आईडी टाइप करो तो आपके अकाउंट में फॉलोअर्स और व्यूअर्स आ जाएंगे। कुछ वेबसाइट में ऐप्स डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है या फिर कोई सर्वे कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है, लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों आपके जो फॉलोअर्स और लाइक्स है वो नहीं आते। अगर आ भी जाते हैं तो दोस्तों वो सिर्फ बॉट फॉलोअर्स होते हैं जो सिर्फ आपके अकाउंट में पड़े रहते हैं और ना तो आपके वीडियोस को लाइक करते हैं और ना ही आपके वीडियोस को देखते हैं। किसी भी सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट ग्रो करने के लिए मैं दोस्तों जेन्युइन मेथड पर बिलीव करता हूँ। दोस्तों आपको भी मैं जेन्युइन सजेशन दूंगा कि कैसे आप अपना टिकटॉक अकाउंट ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आज का इस वीडियो जल्द से शुरू करते हैं। दोस्तों टिप नंबर 1, स्ट्राइकिंग लुक। मतलब दोस्तों आपके वीडियोस में कुछ ना कुछ स्ट्राइकिंग लुक आपको क्रिएट करना होगा। मतलब दोस्तों अपने फोन से रिकॉर्ड करके कुछ ना कुछ डांस स्टेप करके आप जो वीडियोस अपलोड करते हैं, ये जो वीडियोस आप अपलोड करते हैं ये एकदम कॉमन वीडियोस हो जाता है। इसमें कुछ भी एक स्ट्राइकिंग लुक नहीं रहता जिसकी वजह से कोई भी व्यूअर्स उस वीडियो को पूरा नहीं देखता और उस वीडियो को स्वाइप अप करके नेक्स्ट वीडियो पर चला जाता है। दोस्तों क्या है ये स्ट्राइकिंग लुक, आपको क्या करना होगा जैसे कि आप अपने व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर पाए। आप लोगों ने बड़े बड़े टिकटॉक क्रिएटर्स के वीडियो में एक चीज नोटिस किया होगा कि वो लोग अपनी वीडियोस में कुछ ना कुछ स्ट्राइकिंग करते हैं, या तो उनके हेयर कलर रहता है या फिर उनके ड्रेसिंग स्टाइल कुछ अलग होता है जो सबसे अलग है, मतलब कॉमन नहीं है, जो हर लोग करते हैं उस जैसा नहीं है। मेरा सजेशन यही है कि आप भी अपना हेयर कलर चेंज कर सकते हैं या फिर अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं एक स्ट्राइकिंग लुक क्रिएट करने के लिए। दोस्तों ये चीज करने से आपके वीडियोस पर एक नया लुक आ जाएगा जो दोस्तों सबके वीडियोस से अलग होगा। यही चीज आपके व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि टिकटॉक पर वही सारे वीडियोस वायरल होते हैं जो कुछ अलग ला सकते हैं। टिकटॉक पर एक स्ट्राइकिंग लुक क्रिएट करने के लिए अपना स्टाइल चेंज करके देख सकते हैं। ऐसे ही टिकटॉक वीडियोस को अलग स्टाइल में शूट करने का एक ही बेनिफिट है कि टिकटॉक के जो सारे व्यूअर्स है वो आपके वीडियोस को पूरा पूरा देखेंगे और टिकटॉक इस तरह से समझेगा कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा है तो इसका रिकमेंड बहुत सारे टिकटॉक व्यूअर्स को भी कर देगा। इससे ही आपके जो व्यूज है वो कुछ ही मिनट में बहुत ज्यादा ग्रो करने लगेगा और इससे आपको बहुत सारा फॉलोअर्स भी मिल जाएगा। टिकटॉक वीडियोस बनाने के टाइम इस टिप को हमेशा याद रखना कि आपकी वीडियोस में कुछ ना कुछ स्ट्राइकिंग लुक क्रिएट करना होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 2, अपग्रेड योर इक्विपमेंट। मतलब आप अपने टिकटॉक वीडियोस को शूट करने के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं उसको थोड़ा अपग्रेड कीजिए। जैसे कि दोस्तों टिकटॉक पर 99% क्रिएटर्स मोबाइल कैमरा यूज करते हैं, दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सिर्फ DSLR से वीडियो कीजिए क्योंकि DSLR से बैकग्राउंड का जो लुक आता है वो मोबाइल से नहीं आता। इतने सारे मोबाइल क्रिएटर्स के बीच में अगर आप सिर्फ DSLR में वीडियो शूट करेंगे तो आपका वीडियो बहुत ही यूनिक लुक हो जाएगा और इससे आपको बहुत ही कम समय में बहुत सारा व्यूज मिल सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात और कि मेरे पास DSLR है इसीलिए मुझे ये कहना आसान होता है कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि DSLR से वीडियो करो, लेकिन दोस्तों जिनके पास DSLR नहीं है वो क्या करेंगे। दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप लोग जिनके पास DSLR नहीं है वो अपने दोस्त से जिनके पास एक DSLR है या फिर दोस्त के दोस्त जिसके पास DSLR है उससे वो DSLR थोड़ी देर के लिए बोरो कर लीजिए और अपना एक वीडियो शूट करके दीजिए और उस वीडियो को टिकटॉक पर जब अपलोड करेंगे तो आप लोग उस वीडियो में एक नया इम्पैक्ट आप लोग नोटिस करोगे कि उसमें बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा व्यूज आ गए। टिकटॉक पे दोस्तों ऐसा ही होता है, नया लुक हमेशा काम करता है और अगर व्यूज आ गया तो इससे ही फॉलोअर्स और लाइक्स अपने आप ही मिल जाएगा। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि सिर्फ एक बार DSLR से रिकॉर्ड करके वो वीडियो टिकटॉक पर अपलोड करके देखिए। मैं आपको DSLR कैमरा यूज करने के लिए बोल रहा हूँ, तो दोस्तों अगर आपके पास DSLR कैमरा नहीं है तो आप लोग प्लीज डिमोटिवेट मत होना क्योंकि आप लोग मोबाइल से भी बहुत अच्छा शूट कर सकते हैं। दोस्तों मैं सिर्फ DSLR इसलिए यूज करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे आपके वीडियोस को एक अलग लुक मिल जाएगा। टिकटॉक पर हर एक यूजर मोबाइल यूज करते हैं तो मैं आपको इसीलिए DSLR रिकमेंड कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप मोबाइल से ही अपना वीडियो शूट करते हैं तो दोस्तों
मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक ट्राइपॉड परचेस कर लीजिए। कुछ 200-300 रुपए में आपको एक मोबाइल ट्राइपॉड मिल जाएगा जिससे आप आराम से अपने टिकटॉक वीडियोस को शूट कर सकते हैं। जब आप टिकटॉक वीडियो शूट करने के लिए किसी भी अपने दोस्त को बोलते हैं कि मेरा वीडियो शूट कर दे, तो दोस्तों जब वो हैंड से आपके वीडियोस को शूट करता है तो वो हैंड बहुत शेकी हो जाता है, जिससे आपके वीडियोस को एक शेकी इफेक्ट मिल जाता है, जो दोस्तों बहुत ही अनप्रोफेशनल है। सो आप लोग अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया टिकटॉक वीडियोस को प्रोफेशनल बनाने के लिए एक मोबाइल ट्राइपॉड जरूर यूज कीजिए, क्योंकि इससे आपके वीडियोस बहुत स्टेबल हो जाएगा, कोई भी शेकी इफेक्ट नहीं रहेगा। सो यही था इक्विपमेंट अपग्रेड के लिए मेन टिप्स। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3 दोस्तों, ट्रेंडिंग चैलेंजेस। दोस्तों आप लोगों ने टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन किया और दोस्तों जो नीचे सर्च वाला बटन है उस पर जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस और हैशटैग्स आ जाते हैं जिनको टिकटॉक खुद ही रिकमेंड करता है कि आप लोग इस टॉपिक पर वीडियोस बनाइए। सो आपको भी उन सारे हैशटैग्स को यूज करके उस टाइप का वीडियोस बनाना है, क्योंकि उन वीडियोस को टिकटॉक बहुत सारा रीच देता है और बहुत सारे व्यूज भी आता है उन सारे वीडियोस को। सो आपको भी इन ट्रेंडिंग चैलेंजेस में आपको पार्टिसिपेट करना है और अपना वीडियो शूट करना है, और उन वीडियोस को अपलोड करने के टाइम आप उनका हैशटैग्स यूज कीजिए और इससे टिकटॉक समझ जाएगा कि ये वीडियो उसी रिलेटेड है। इससे ही आपके वीडियोस पर बहुत ही जल्दी अच्छा खासा व्यूज आ जाएगा और वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए अब नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 4 दोस्तों, डिफरेंट कैटेगरी। दोस्तों आप लोगों ने टिकटॉक पर एक चीज नोटिस किया होगा कि टिकटॉक पर 90% वीडियोस लिप सिंकिंग वाले वीडियोस होते हैं। सो आपको इस लिप सिंकिंग वाले वीडियोस ज्यादा नहीं बनाने हैं, आपको कुछ डिफरेंट कैटेगरी ट्राई करना है, आपको इस भीड़ से निकलकर कुछ अलग करना है, तभी तो लोग आपके वीडियोस को ज्यादा टाइम तक देखेंगे। कुछ अलग मतलब दोस्तों आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो टिकटॉक पर बहुत दिनों तक वायरल हुआ था और इसमें करीब करीब 2 लाख के आसपास लाइक्स भी आ चुका था। मतलब दोस्तों आप व्यूज अंदाजा लगा सकते हैं, करीब 1 मिलियन तक इसका व्यूज है। सो जैसे कि आप लोग इस वीडियो में एक यूनिक स्टाइल नोटिस करोगे कि इसमें बहुत सारे एडिटिंग इफेक्ट्स हैं। इन सारे एडिटिंग इफेक्ट्स की वजह से ये वीडियो बहुत ही अलग लुक बन जाता है और व्यूअर्स जो है ये सारे वीडियोस पूरा देख लेते हैं और ऐसे ही ये वीडियो वायरल हो गया। सो आप लोग भी एडिटिंग की मदद से कुछ नया डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, इससे आपके वीडियोस को बहुत जल्दी व्यूज मिल सकता है और दोस्तों व्यूअर्स मतलब आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स भी आ जाएगा। सो ऐसे टाइप का टिकटॉक वीडियोस बना के देखो, आपका जो व्यूज है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 दोस्तों, शेयर ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। मतलब टिकटॉक के अलावा और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इनका फायदा उठाइए, जैसे कि दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप। अगर आप ये सारे सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके बहुत सारे दोस्त इन सब प्लेटफॉर्म्स पर अपने टिकटॉक वीडियोस को शेयर करते हैं। सो इन प्लेटफॉर्म पर आपके वीडियोस को शेयर करने का एक बेनिफिट है कि वहां पर बहुत सारे ऑडियंस है और वो आपके वीडियोस को देखता है, जिसकी वजह से जो टिकटॉक का जो वॉटरमार्क रहता है और उसके नीचे आपका आईडी रहता है, तो उस आईडी से वो लोग आपके अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं अगर आपका कंटेंट उनको पसंद आता है। सो आपको एक स्ट्राइकिंग वीडियो बनाना है जो कि आपको अलग से प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना है। सो इससे बहुत सारे टिकटॉक के बाहर वाले ऑडियंस आपके वीडियोस पर अट्रैक्ट होकर आपके अकाउंट पर आ जाएंगे। सो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के लिए आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम का फायदा उठाएंगे। सो दोस्तों यही कुछ 5 टिप्स मैंने आपको बताया जिसको फॉलो करके आप अपने टिकटॉक अकाउंट पर बहुत सारे फॉलोअर्स और व्यूज गेन कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जो लोग टिकटॉक के बारे में जानकारी चाहते हैं। अगर इस टाइप का और भी वीडियोस देखना हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को भी दबा दो, क्योंकि मैं ऐसे टाइप का वीडियोस अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये रहा हमारा आईडी या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।